जय जगन्नाथ। सबुबेले निज उपरे आत्मविश्वास रखिबा उचित, हेले अत्यधिक आत्मविश्वास गर्वरे परिणत हो जाए। जदि आपण केउ प्रतियोगिता पई निज उपरे आत्मविश्वास आणुछंती जितिबा पई ताहेले ताहा ठीक, हेले सामनारे थिबा प्रतियोगी को नीचा देखाई निजकु सर्वश्रेष्ठ बोली परिचय देबा हेउछि गर्व, आउ गर्व करुथिबा व्यक्तिर पराजय ही हुए। नमस्कार, मु स्वयं प्रज्ञा। पूर्व अध्याय रे आमे देखिथिले दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को तांक पक्षर वीर योद्धा मानक सह परिचय कराई देउथिले। एबे समस्त वीर योद्धा को परिचय कराई देबा परे दुर्योधन कहउछन्ती, अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तम त्युदमेतेसा बलं भीमाभिरक्षितं अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमदस्थितः भीष्ममेव भिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। आम पाखरे अपर्याप्त महावीर अछन्ति जेउमाने भीष्मक द्वारा रक्षित अटन्ति, एवं भीमक द्वारा रक्षित होइतिबा पांडवक सैन्य खूब पर्याप्त, सेमाने आमर समकक्ष होइ परबे नै। दुर्योधनक मनरे एइठी अत्यधिक आत्मविश्वास आसी जाइछि, जेउठी से निजको दृढ़ करिबा बदलरे अन्यको नीचा देखाइछन्ति, एवं एठारे दुर्योधन भीमक कथा ही बारंबार उठाउछन्ति। से अर्जुनक कथा भी कहि पारिथान्ते, युधिष्ठिरक कथा भी कहि पारिथान्ते, हेले भीम काहेकि? कारण से जानिथिले, तांकु जणा थिला जदि युद्धरे तांकर पांडवक द्वारा मृत्यु हुए ताले भीम ही तांकु मृत्यु देबे। सेथिपाई से निजर आत्मविश्वास बढ़ाइबा को कहुतिले पांडवक पक्षरे भीम थांतु, किंतु आम पार्श्वरे भीष्मक परे योद्धा अछन्ति, सेमाने केबे भी आम समकक्ष होइपारिबे। दुर्योधन कूटनैतिक स्वभावर थिले, युद्धरे बिना अस्त्ररे मध्य किपरि अन्यको निज आयतको अणा जाइपारिबो ताहा तांकु बेश जणा थिला। सेथिपाई से द्रोण एवं भीष्मको निज कथारे निज आडको आयतको आणुथिले, जहाद्वारा सेमाने युद्ध करिबाकु आहुरी आग्रह प्रकाश करिवे, एवं निज मनरे थिबा भयको मध्य लुचाइबाकु चेष्टा करुथिले। से जानिथिले युद्धरे सबुठु वीर योद्धा हेउछन्ति भीष्म, जदि भीष्मंकर किछि होइचाए तेबे युद्धर परिणति खूब भयंकर हेब। सेथिपाई समस्त सैन्यंकु भीष्मंक पार्श्वरे रही साहाज्य करिबाकु आदेश देले दुर्योधन। सेथिपाई समस्त सैन्यंकु भीष्मंक पार्श्वरे रही साहाज्य करिबाकु आदेश देले दुर्योधन। एबे भीष्मंक प्रतिक्रिया कोन रहिब जानिबा परवर्ती अध्यायरे। नमस्कार। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।